शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ही लागू कर दिया गया है सरकार द्वारा, कि हर विद्यालय में हर बच्चों को पठन पाठन की सुविधा, फर्नीचर की सुविधा, पेयजल की सुविधा दिया जाएगा। लेकिन इसी योजना के अंतर्गत शिवहर जिला के इसी ब्लॉक की कुशहर पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय कुशहर में 1,500 बच्चों का नामांकन होते हुए भी मात्र 32 फर्नीचर उपलब्ध है, जिस कारण बच्चों को बैठने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्कूल में कौन सी दिक्कत है? स्कूल में डेस्क बेंच नहीं है, उसके बाद बड़े बड़े दीदी से आगे बैठ जाते हैं, उसके बाद हमको लिखने में दिक्कत होता है, कॉपी कलम रहता है तब ना लिखते, उसके बाद बोरा नहीं है तो कभी कभी बोरा बड़े मम्मी से मांग लेते हैं, लेकर चल जाते हैं, किसी से बोरा मांग के चल जाते हैं, बोरा नहीं रहता है तो नीचे स्कूल में पक्का पे बैठते हैं भुइया में। बच्चे नीचे बैठते हैं फर्श पर, और जब फर्श पर बच्चे बैठते हैं तो बच्चे की तो संख्या अधिक है ही, साथ साथ फर्श पर जब बैठते हैं तो बच्चे एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इससे काफ़ी परेशानी होती है। तो आपको क्या दिक्कत होती है जैसे उपवास करने? यही होती है कि बच्चे जब एक साथ बैठे होते हैं फिर उसको कुछ वहाँ पर जाकर हमको कुछ बताना हो, जा नहीं पाते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है क्लासरूम में, जब एक साथ बच्चे ज़मीन पर होते हैं तो एक साथ सट के बैठते हैं, जाने का रास्ता ही नहीं होता, और डेस्क बेंच होगा तो उसमें जाने आने का भी रास्ता नहीं है। उपस्कर नहीं, इसके लिए आप क्या किए हैं? उपस्कर के लिए पिछले 2 साल पहले आया था, 20 बेंच डेस्क का पैसा जो बन चुका है और उसमें प्रावधान है कि सरकार की तरफ से आएगा तो मिलेगा, नहीं तो बच्चे लोग बोरा लाकर बैठते हैं। तो उससे आपको दिक्कत क्या है? नहीं, बड़े बड़े बच्चे बच्चे हैं, थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम होता है, खास करके लड़कियों को प्रॉब्लम है नीचे बैठने में। मैं चाहती हूँ कि इस विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध हो, इसलिए मैं इन बच्चों के साथ प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देने जा रही हूँ। इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि शिवहर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जवाहरलाल जी का मोबाइल नंबर 85 44 41 19 82 पर कॉल कर दबाव बनाए और कुशहर मिडिल स्कूल में फर्नीचर दिलवाने में हमारा मदद करें। मैं रीता, जिला शिवहर, बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।